विजयादशमी के अवसर पर रक्षित केंद्र जबलपुर विधि विधान से शस्त्र एवं वाहनों का पूजन किया गया। शस्त्र पूजा उपरांत हार्स फायर भी किया गया। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर उमेश जोगा, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि विजयादशमी के शुभ अवसर पर दक्षित केंद्र जबलपुर में संपूर्ण विधि विधान से शस्त्र एवं वाहनों का पूजन किया गया। शस्त्र पूजा उपरांत हार्स फायर भी किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री रोहित कासवानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण श्री गोपाल प्रसाद खांडेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री शिवेश सिंह बघेल, उप पुलिस अधीक्षक लाइन श्री मयंक सिंह चौहान, रक्षित निरीक्षक श्री सौरभ तिवारी एवं पुलिस लाइन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। MBCG 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए जिला ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ कैमरामैन जयराज चौधरी की रिपोर्ट। जैसे हर बार होता है दशहरा के अवसर पर पुलिस लाइन में हम लोग शस्त्र पूजन करते हैं। दशहरा के समय में शस्त्र पूजन के साथ यही कामना करते हैं कि शस्त्र का कभी उपयोग कभी ना हो इसके, मगर साथ ही हम सभी जबलपुर जोन के जबलपुर निवासियों के सब लोगों के लिए दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। सर्वप्रथम पूरे जबलपुर जिला वासियों को और आप सभी के माध्यम से सभी लोगों को विजयादशमी की शुभकामना देना चाहूँगा। आज पुलिस लाइन में जो शस्त्र पूजन और जो वाहन पूजन की परंपरागत जो पूजा होती है उसमें संदेश होने का अवसर मिला है और ये प्रतीक है कि ये शक्ति का प्रतीक है और शासन में शक्ति का प्रयोग हम लोग जनता के हित में, जनता की सुरक्षा में और मानव कल्याण के लिए करें, इसकी हमारी अभिलाषा है। और मैं आप सभी लोगों को और आपके माध्यम से पूरे जिलेवासियों को विजयादशमी की बहुत के रूप में लेकिन ऊपर से कामना करता हूँ कि शस्त्रों का जो कभी पुलिस को रियल लाइफ में ऐसी स्थिति ना बनेगी, हमें इसका उपयोग करना पड़े, लेकिन आज अच्छे से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आगे सब शांति बहाल रहे, पुलिस का सुचारू रूप से अच्छे से कानून व्यवस्था बनाए।